शिक्षक साथियों नमस्कार। आप सभी को ज्ञात है कि निकट भविष्य में एनएएस एग्जाम होना है। एनएएस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके चार विकल्प होंगे और उसमें से सही उत्तर को विद्यार्थियों को ओएमआर शीट पर भरना है। ओएमआर शीट पर उत्तर भरने की जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों के लिए नया है, अतः हम उसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से विद्यार्थी जो है ओएमआर शीट में जानकारी को फिलअप कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप अपने सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को भेजिए, उन्हें बोलिए कि इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा विश्वास है कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख लेगा, बार बार देख लेगा, उसे जो है ओएमआर शीट भरने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी के साथ भर सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को खास ध्यान रखकर बनाया गया है कक्षा 3 के बच्चों के लिए। कक्षा 3 के बच्चे के स्तर के आधार पर इसमें स्पीड को मेंटेन किया गया, अर्थात हम बहुत ही कम स्पीड में इसको बता रहे हैं। चलिए बच्चों, हम मानते हैं कि आपके टीचर के द्वारा इस वीडियो को आप तक पहुंचाया जा चुका है या किसी अन्य माध्यम से आपको प्राप्त हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार आप जो है परीक्षा में उत्तर को ओएमआर शीट पर भरेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप जब आप स्कूल जाएंगे परीक्षा दिलाने तो आपको पेन लेकर जाना है और पेन या तो काले स्याही का होना चाहिए या तो नीले स्याही का। चलिए हम काले स्याही वाला पेन को रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो शीट आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे गोला वाला, आपको बहुत सारा गोले वाला एक पेपर टीचर से मिलेगा, इसे कहा जाता है ओएमआर शीट। इसमें जो परीक्षा होगा, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के उत्तर को भरना है। किस प्रकार से भरेंगे, देखिए सबसे पहले आपको कुछ सामान्य जानकारी भरना है, उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर उत्तर को भरना है। तो कैसे भरेंगे, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, है ना, बिल्कुल वीडियो को छोड़ना मत, मैं बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आपको ये पेपर मिलेगा तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्कूल नेम। तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ अपने स्कूल का नाम, गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइमरी स्कूल, ठीक है, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, मैं यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को छोड़ना मत ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, क्या लिखा है, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, मान लीजिए आपका नाम राकेश है तो हम यहाँ पर राकेश लिख दिए, आपका जो भी नाम होगा उसको लिखना है। यहाँ पर मैं केवल उदाहरण के रूप में लिखा हूँ, ये आपने अपने स्कूल का नाम लिख दिया और यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। अब नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे गोला बने हुए हैं और सब में देखिए नंबर लिखे हुए हैं। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर शून्य है, फिर एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, इसी प्रकार से सभी खंड में है, सभी लाइन पर है। और ऊपर में एक बॉक्स बना हुआ है, तो आपके टीचर एक नंबर बताएंगे ब्लैक बोर्ड पर, उसी को आपको यहाँ पर एक एक करके उतारना है ना। यहाँ पर जैसे जो नंबर बताए, मान लीजिए ऐसा हो सकता है तो आपको एक बॉक्स में एक अंक को भरना है, जैसे कि वो लिख दिए 22, 11, 2, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, आपके जो टीचर बताएंगे उसी अंक को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं केवल उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। ठीक है, ये आपने कोड फिलअप कर दिए। अब देखिए जिस बॉक्स में जो नंबर है, जैसे इस बॉक्स में देखो कि कितना नंबर लिखा है, 2 नंबर, इसी के नीचे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखा हुआ है। तो इस लाइन में आपको क्या करना है, 2 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको ऐसे पेंसिल को रखना है और इसे पूरा काले रंग पर भर देना है। तो कई बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, देखो ऐसे ऐसे लगाते हैं गोला, ऐसे ऐसे भरते हैं, तो ऐसे ऐसे भरोगे ना तो गोला नहीं बनता, गलत हो जाएगा। आपको कैसे चलाना है पेंसिल को, देखो ध्यान से, मैं पहले सबसे पहले इसको मिटाता हूँ, आपको बताने के लिए मैंने गलत लिखा था ना, वहाँ पे आपको मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि पेन से लिखोगे, तो सोच समझ के करना है। तो क्या करोगे, जैसे इसको घेरा करना है, इसको गोला लगाना है, पूरा काला करना है, तो बीच में रखना, फिर पेंसिल को धीरे धीरे ऐसे ऐसे जो है आप उसको घुमाते जाएंगे, है ना, ऐसे इस प्रकार से इसको आप जो है पूरा काला रंग में फिलअप कर देंगे। वैसे आप लोग तो बहुत अच्छे चित्र बनाते हो तो आपको तो बहुत अच्छे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो देखो इसी लाइन पे आपको 2 को ढूंढना है, अब यहाँ पर हम 2 कर दिए, ठीक है, इसमें लगाएंगे, ध्यान से देखना है भाई किस प्रकार से।
अब देखो गलतियां कहाँ होती हैं, जैसे हमने दो को गोला लगा दिए, अब यहाँ पर एक है तो हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों में से किसी भी एक को लगा देते हैं, ऐसी गलती नहीं करना। ये एक जो है इसी के नीचे वाले लाइन में देखना, एक कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे पेंसिल को रखेंगे और ऐसे आपको पूरा उस घेरा को काले रंग में या नीला रंग में भर देना है। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा इसको भर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शून्य है ना भाई, तो देखो शून्य कहाँ कहाँ पर है, बहुत सारे शून्य है, लेकिन किस शून्य में गोला लगाओगे आप, देखो इस शून्य के नीचे शून्य कौन सा है, ये वाला, तो इसी में लगाओगे, है ना, इसी में आपको ध्यान से लगाना है। चलिए यहाँ पे हम लगा दिए, अब यहाँ पर आठ है ना, तो आठ कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है क्या, ऐसे कभी कभी क्या होता है पेंसिल यहाँ पर आ जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि आठ एकदम सीधे होना चाहिए, ये इस डिब्बे की बात हुआ ना, इस डिब्बे में है तो इसी में देखो कहाँ पर आठ है, यहाँ पर आठ है, हम जो इस प्रकार से बना दिए, ठीक है, इस प्रकार से घेरा कर दिए। अब यहाँ पर फिर शून्य है, वीडियो को छोड़ना मत बच्चों, ऐसी ऐसी बता रहे हैं सर तो ऐसे मत करना, मैं सब चीज बताऊंगा, है ना, ये आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, बिल्कुल मत छोड़ना, टीचर लोग ध्यान देंगे, टीचर सर जो है हमारे अदन्य जी, बच्चों को कहिएगा कि पूरा वीडियो देखिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए चार है, तो देखो इस प्रकार से बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, मैं सब चीज बताऊंगा यहाँ पर। उसके यहाँ पर पांच है, तो पांच कहाँ पर, देखो यहाँ पर है, इस पांच को आप लगाओगे, अर्थात जिस बॉक्स में जो नंबर लिखा है उसी बॉक्स के नीचे लाइन में जो नंबर है वही नंबर को आपको लगाना है। यहाँ पर शून्य है तो इस शून्य को लगाओगे, ठीक है, इस प्रकार से आपको ढूंढ करके आसानी से बहुत ही सावधानी से, है ना भाई, आपको लगाना है। उसके यहाँ पर एक है तो ये एक, तो इस प्रकार से आपने यू डाइस कोड को फिलअप कर दिया, हो गया। अब देखिए ये बॉक्स हमने फिलअप कर दिया, एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आठ है तो देखो आठ में लगा है उसी लाइन में, है ना भाई, आपको इसी प्रकार से चेक करना है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जन्म तारीख क्या है, मान लीजिए किसी बच्चे का जो जन्म तारीख है राकेश का, यहाँ पे राकेश लिखे थे, तो 12/3/2013 है, तो 2013 पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पे वाई वाई है तो केवल आपको 13 लिखना है, ठीक है, केवल आपको 13 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अंक है, जैसे यहाँ पर एक है तो यहाँ पर आप एक को पूरा क्या करोगे, पूरा फिलअप करोगे, है ना, पूरा इसको फिलअप करोगे। यहाँ पर क्या है, दो है, यहाँ पर दो है तो दो को फिलअप करोगे, है ना भाई, ये आपको पूरा फिलअप करना है उसी कलर में, काले रंग में। यहाँ शून्य है तो शून्य को करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर तीन है, तो तीन कहाँ पर है, यहाँ पर है। आगे देखना कि किस प्रकार से हम उत्तर पर गोला लगाएंगे, है ना, ये तो सामान्य जानकारी है। फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक है, क्योंकि मैं कंप्यूटर में डायरेक्टर लिख रहा हूँ इस कारण कुछ जगह थोड़ा सा अच्छा से नहीं बन रहा है, जब आप पेंसिल से लिखेंगे तो बहुत अच्छा गोला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर तीन लिखेंगे, तीन को आप क्या करोगे, पूरा डार्क कर दोगे कलर से, कौन से, काले रंग से या नीले रंग से। अब ये भरा गया, अब देखिए नीचे पे, नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, आधार नंबर लिखा है, तो आपका जो आधार नंबर है उसको सबसे पहले बॉक्स में भरना है। जैसे मान लीजिए आपका आधार नंबर जो है ऐसा है, 11/43, है ना, ऐसा कुछ भी है, मैं यहाँ 12 अंक का होता है तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आपका जो आधार नंबर है उसी को रखना है, ठीक है, जैसे इस प्रकार से किसी बच्चे का आधार नंबर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिखा है तो क्या करेंगे, इसको आपको पूरा घेरा करना है, ठीक है, इसको पूरा आपको घेरा करना है आसानी से। क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं करते करते आदत हो जाती है तो हम अति आत्मविश्वास में हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, है ना, तो हर बार आपको ध्यान रखना है, हर बार ऐसे सीधे सीधे मिलाना है, हाँ यहाँ से भी है चलो इसको मिला देते हैं, इस प्रकार से बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चार है, चार कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर चार है, ऐसे। फिर पांच, ठीक है, उसके बाद देखिए छह कहाँ पर है,
उसके बाद यहाँ पर देखिए शून्य है तो शून्य को लगाएंगे। वीडियो को बिल्कुल बंद मत करना है ना, ऐसा है इसी से को बता रहे हैं ऐसे मत सोचना, मैं तो बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ दो है तो इस प्रकार से दो को रखेंगे, जो आपका आधार नंबर लिखे हो उसी के अनुसार से आप यहाँ पर उसी नंबर को आप जो है घेरा लगाते जाएंगे। यहाँ पांच है तो देखिए पांच कहाँ पर है, यहाँ पर पांच है, ठीक है। इस प्रकार से आप पहले बाहर को कर सकते हैं, उसके बाद अंदर को फिलअप कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। यहाँ पर छह है देखिए, तो छह कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल को रख के पहले बाहर वाले लाइन पे लगा लो, फिर अंदर को पूरा फिलअप कर दो, ठीक, ऐसे भी कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर सात, देखो ऐसे, ये पहले हम कर दिए, फिर इसको आराम से पूरा फिलअप कर दिए, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल सावधानी से भरना है। फिर इसमें देखिए आठ है तो देखिए हम आठ को फिलअप कर दिए, है ना, ऐसे आठ को फिलअप कर दिए, और यहाँ पर भी आठ को फिलअप कर दिए क्योंकि उसके बाद भी आठ था। तो इस प्रकार से आपने आधार नंबर भी भर लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल, आप किस साल उस स्कूल में भर्ती लिए, है ना, किस साल। मान लीजिए आप जो है इस स्कूल में 2019 में आए, आपके टीचर बताएंगे, है ना, तो आपको 2019 इस प्रकार से लिखना है, एक बॉक्स में एक अंक। अब उसके बाद यहाँ दो है तो देखिए यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो आएगा, यहाँ पर दो आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए शून्य है तो शून्य को आप क्या करोगे, शून्य को पूरा डार्क करते जाओगे, ठीक है। यहाँ पर एक है तो एक को आप काले रंग में पूरा भरोगे, ठीक है, एक को काले रंग में पूरा भरोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नौ है तो यहाँ पर हम नौ को भरेंगे। अब यहाँ पर सेक्शन, आपका कक्षा किस सेक्शन में है, जैसे किसी विद्यार्थी का कक्षा ए सेक्शन में है तो ए लिखेंगे, है ना, यहाँ पर ए। क्या है, यदि आपके एक ही कक्षा में लगता है सभी विद्यार्थी एक ही कक्षा में बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कक्षा जो है दो तीन हिस्से में है तब सेक्शन यहाँ पे भराएगा, आपके टीचर गाइड करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है आपके टीचर बताएंगे, मान लीजिए किसी का नौ है तो कैसे लिखेंगे, केवल नौ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले शून्य लिखेंगे फिर नौ लिखेंगे। अब देखिए कहाँ पर है, ये शून्य है ना, यहाँ पर ये शून्य है ना भाई, उसके बाद ये नौ, इस प्रकार से आपको भरते जाना है, इस प्रकार से आपको भरते जाना है, ध्यान से भरना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर आप किस ग्रुप में आते हैं, सोशल ग्रुप में, जैसे आप ओबीसी में आते हैं तो आपको ओबीसी में करना है, ये भी आपकी टीचर की मदद से करना, यहाँ पर आपकी टीचर की मदद मिलेगा, है ना। उत्तर में नहीं मिलेगा भाई, मैं उत्तर किस प्रकार से बनाओगे बता रहा हूँ। मीडियम मान लीजिए हिंदी जो है 11 नंबर कोड है तो सबसे पहले 11 को रोक, है ना, टीचर आपको यहाँ पर भी मदद करेंगे, यहाँ पर टीचर बिल्कुल मदद करेंगे आपके, उसके इस प्रकार से, है ना। ये हो गया सामान्य जानकारी पूरा, देखते हैं आगे क्या है, और कुछ कुछ है उसके बाद उत्तर भरेंगे। अब देखिए नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखिए CWSN, इसके बारे में यदि लागू होगा तभी भरना है। अब यहाँ पर देखो एरिया कोड भरना है, आपका स्कूल यदि गांव में है तो क्या भरेंगे, रूरल को, है ना, यदि शहर में होगा तो अर्बन को, स्कूल गवर्नमेंट है तो एक नंबर, अदर है तो दो नंबर, गवर्नमेंट स्कूल वाला है तो, ठीक है। उसके बाद यदि आप बालक है तो बॉय को, और बालिका है तो गर्ल को, अर्थात दो नंबर को आपको डार्क करना है। अब इसके बारे में टीचर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने पूरा जानकारी यहाँ पर भर दिए, ठीक है, ये सब आप जानकारी भर दिए बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको उत्तर को लिखना है, देखो एक से दस, 11 से 20, 21 22 23, ऐसे करते 30 तक, फिर 40 45 तक। आपको जो परीक्षा प्रश्न पेपर मिलेगा, प्रश्न पेपर, उसमें 45 प्रश्न होंगे, जैसे कि इस प्रकार से प्रश्न होंगे, है ना, ये सब प्रश्न है इसी प्रकार से रहेंगे। अब इसमें देखिए जैसे कि हम पहले प्रश्न के बारे में बात करें तो पहला प्रश्न ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न है। अब इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हिंदी में है तो क ख ग दे दिया है, वो यहाँ पे क्या रहेगा, इंग्लिश में रहेगा तो ABCD रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर क है तो उसके जगह ऐसे ए रहेगा। चलिए नीला रंग क्लिक हो गया था, एक बार इसको सुधारता हूँ बच्चों, ठीक है, ये देखिए वेट कीजिएगा थोड़ा सा ना, मैं पेन के कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ अब देखो बच्चों,
अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको लगता है कि ये दूसरा वाला है, ए बी वाला है, बी वाला है ना। तो आप क्या करोगे, ओएमआर शीट में देखोगे कि एक नंबर कहाँ लिखा है, देखो ये एक नंबर यहाँ लिखा है, पहले प्रश्न का है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपने क्या दिया, दूसरा बी को, तो आप बी को ध्यान से गोला लगाओगे, ध्यान से पूरा, ठीक है। यहीं पे आपको ध्यान देना है, एक लाइन में दो गोला नहीं होना चाहिए, दो गोला को आप जो है घेरा नहीं करेंगे एक लाइन, जैसे इसको भी कर दिए, इसको भी कर दिए तो गलत हो जाएगा, है ना। एक लाइन में केवल एक ही गोला को आपको पूरा काला करना है। अब मान लीजिए दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर ए है ना, दूसरा प्रश्न का जो उत्तर है वो ए है, तो आप इस ए को नहीं लगाओगे, इस प्रश्न के सीधे में क्या है देखो, ये ए बी सी डी, तो इसके सीधे में जो ए है उसको आप जो है पूरा काला करेंगे, इसी प्रकार से उत्तर देना है ना भाई, इसी प्रकार से आपको उत्तर को लिखते जाना है बस। अब मान लीजिए कोई तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या है, बी है ना, तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर बी में गोला नहीं लगा है, तो आप इसी में लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये तीसरा नंबर है ना, तो इसी के सीधे में जो बी है उसी को आपको इस प्रकार से गोला लगाना है, गोला लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो प्रश्न रहेंगे उसके आधार पर आपको उत्तर में गोला लगा, जैसे चौथा प्रश्न का उत्तर सी है, तो चौथा कहाँ, यहाँ पर देखो, चौथा का सी कौन सा है, ये है। ऐसे आपको ध्यान से लगाना है, ठीक है। तो ये तो हुआ ओएमआर शीट आप किस प्रकार से भरेंगे, ऐसे आपको पूरा 10 प्रश्न, 20 प्रश्न, 30, 40 और 45 तक बनाना है। मान लो आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता, पांचवा प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो यहाँ पे ऐसे टिक नहीं लगाना है मुझे, मेरे से नहीं बना करके, आपको बस सोचना है, याद रखना है कि आपसे जो है ये पांचवा प्रश्न नहीं बना। अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, पांचवा प्रश्न नहीं बना तो छठवा बनाओगे, है ना भाई, छठवा प्रश्न को बनाओगे, तो क्या होगा, छठवा का उत्तर यहाँ मत करना, जो छोड़ दिए तो छोड़ दिए, छठवा का उत्तर जैसे ए है तो यहाँ पे लगाओगे, है ना भाई, यहाँ पे ऐसे आपको लगाना है गोला। तो इस प्रकार से बारी बारी से आपको पूरा 45 तक गोला लगाना है, उसके बाद आखिरी में यहाँ पे जो टीचर वहाँ पे आपका जो परीक्षा लेंगे वो यहाँ पे दस्तखत करेंगे ऐसे, है ना भाई, उनका जो दस्तखत है वो करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा दिलाना है, और परीक्षा में जो उत्तर आएगा उसको इसी प्रकार से आपको भरना है, इसी प्रकार से ये पूरा भरने के बाद आपको अपने इस प्रपत्र को टीचर को दे देना है। बच्चों अगले जो वीडियो में लाऊंगा एनएएस का, उसमें हम इस प्रकार से बहुत से प्रश्नों की तैयारी करने वाले हैं, तो आप क्या करना, इस चैनल को उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़े रहना, इसमें आपके लिए बहुत अच्छी चीज मैं लेकर आने वाला हूँ। नमस्कार।